देखिए, मैं तो विधायक हूँ और सरकार की गाड़ी का ना मेरे पास स्टेयरिंग है, ना गियर है, ना मैं उस गाड़ी में हूँ। तो अब ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में जो स्पष्टीकरण आधिकारिक रूप से वहीं से आएगा। तो मैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र और जो मेरा चुनाव क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा प्रकाश डाल सकता हूँ। देखिए, कुछ मसले उसमें हैं, जैसे जो IT का है, और मेरा ये मानना है कि उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था मैं जल्दी कर दूंगा, फिर वो किसी कारणवश कैबिनेट में नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बड़े लंबे समय से जो है उनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं, वो निकलने चाहिए, और बाकी भी जो रिज़ल्ट रुके हुए हैं उनके ऊपर भी सरकार को शीघ्र कार्रवाई करते हुए वो निकाल देने चाहिए रिज़ल्ट, और जिनको रोज़गार मिलना है उनको मिल जाए, ताकि असमंजस की स्थिति जो है वो बेरोज़गार युवा जो प्रदेश का है उसके अंदर ऐसी भावना ना आ जाए कि सरकारें इसी तरह इंटरव्यू निकालती हैं, दूसरी सरकार आती है वो रोक देती है, तो एक तरह से मोह भंग सरकारी रोज़गार की तरफ से होने लगेगा अगर ऐसी परिस्थितियाँ चलती रहीं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार गंभीर भी है, कैबिनेट में ले आए थे, मुझे लगता है अगली कैबिनेट तक ज़रूर कुछ ना कुछ सही निर्णय इस दिशा में आएगा। सर, जो पूरे साल में एक बच्चे को 6,000 रुपये मिलते थे, अब इस योजना के मिशन बादशाह में लाने पर उन्हें हर बच्चे को 4,000 रुपये मासिक मिले। सरकार इस दिशा में इस योजना को लेके आई है, और इस योजना के अंतर्गत BPL फैमिली में अगर बेटी का जन्म होता है तो उसके नाम से 21,000 रुपये की 10 साल के बाद जैसे वो बेटी मेजर एडल्ट हो जाती है तो वो खुद पैसे को निकाल सकती है। इसी तरह से विडो री मैरिज है, विडो के साथ कोई थोड़ा सा वो अच्छा सा वो नहीं माना जाता, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर विडो से शादी करता है तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए इसमें राशि दी जाती है, जो 65 से आंगनबाड़ी सर ने बताया कि हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो है महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित है, और ये योजनाओं के लिए हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि लाभार्थियों को जो है दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो है सपोर्ट में खड़ी रहती है फॉर्म भरने से लेकर।